तो दोस्तों आज हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने गूगल क्रोम के अंदर जो इंटरनेट की स्पीड आ रही है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों आप लोग डाउनलोड तो बहुत कुछ करते होंगे अपने फ़ोन के अंदर, और दोस्तों डाउनलोडिंग जो स्पीड है वो डिपेंड करती है आपके इंटरनेट की स्पीड पर, वाईफाई की स्पीड पर और बहुत सारी चीज़ों पर। दोस्तों एक ऐसी सेटिंग है आपके फ़ोन के अंदर ही जो कि अगर आप इनेबल कर देंगे तो आप इजीली ऑलमोस्ट 10 गुना अपनी स्पीड को बढ़ा पाएंगे। दोस्तों इस जो सेटिंग है ये बेसिकली सेटिंग आपकी गूगल क्रोम के अंदर ही आती है, और दोस्तों मैं आपको ये सेटिंग बताने वाला हूँ, ये जादू बताने वाला हूँ जिससे आप लोग एकदम से अपनी इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो बताया तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव मीडिया और मेरा नाम है अंकित। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग गूगल क्रोम में अगर कुछ डाउनलोड करते हैं तो उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज कर सकते हैं या कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों आपको कोई एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक क्रोम का फीचर के बारे में बात करूँगा और वो बताऊँगा कि वो कैसे आप उसको एनेबल कर सकते हैं, जो कि एक तरीके से हिडन फीचर है, और इस हिडन फीचर के थ्रू ही आप जो अपनी डाउनलोड स्पीड है उसको इंक्रीज कर पाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप की सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है, पर आपको कोई भी ऐसी सेटिंग देखने को नहीं मिलती जिससे आप लोग अपनी इंटरनेट की या डाउनलोडिंग जो स्पीड है वो इंक्रीज कर सके। दोस्तों यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है पैरेलल डाउनलोडिंग का, जिसके थ्रू क्या होता है दोस्तों जो स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट 10 गुना तक बढ़ जाती है। तो दोस्तों वो फीचर आपको डायरेक्टली यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों उस फीचर को आपको एनेबल करने के लिए कुछ चीज़ें या कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अभी हमारे पास जो है वाईफाई कनेक्टेड है, जो कि ऑब्वियसली एक हाई स्पीड वाईफाई है, और आप लोग देख रहे हैं ऊपर डाउनलोडिंग स्पीड कितनी आ रही है, ऑलमोस्ट 100 kbps के करीबन आ रही है। दोस्तों अभी हम लोग वो ट्रिक करके दिखाएंगे आपको कि उस ट्रिक करने के बाद हमारा जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो कितनी बढ़ जाएगी। दोस्तों हम इसको यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, और दोस्तों पोस्ट करने के बाद अब आपको वापस बैक कर लेना है। आपको दोस्तों यहाँ पे लिखना है क्रोम ब्राउजर के अंदर ही क्रोम कॉलन डबल स्लैश, ये वाले स्लैश लगाने हैं दोस्तों। इसके आगे लिखना है दोस्तों फ्लैग। दोस्तों जैसे आप फ्लैग्स लिखेंगे तो यहाँ पे फ्लैग्स अपने आप आ जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों इसी के अंदर आपकी एक सेटिंग है जो कि है पैरेलल डाउनलोडिंग की। दोस्तों उसको आपको यहाँ पे सर्च फ्लैग्स पे जाके पैरेलल या फिर आप यहाँ पे सिर्फ ये अगर डाउनलोडिंग भी लिखेंगे तो भी दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये फीचर। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे पास आगे है पैरेलल डाउनलोडिंग का ऑप्शन, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पैरेलल डाउनलोडिंग में यहाँ पे अभी डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, आपको यहाँ पे डिफॉल्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको एनेबल कर देना है। दोस्तों इनेबल करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आएगा योर चेंजेस विल टेक टाइम टेक अफेक्ट द नेक्स्ट टाइम यू रीलॉन्च द गूगल क्रोम। तो दोस्तों आपको यहाँ पे रीलॉन्च कर देना है गूगल क्रोम को। दोस्तों गूगल क्रोम को रीलॉन्च करने के बाद अब आपको क्या करना है कि अब आपको अपने गूगल क्रोम में जो आप डाउनलोड कर रहे थे बेसिकली, अब आपको वो डाउनलोड को दोबारा से इनिशिएट कर लेना है। दोस्तों हम लोग वापस उसी फाइल पे आ गए हैं, और आप डाउनलोड करके दिखाते हैं और स्पीड देखते हैं कितनी आ रही है। दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं स्पीड बहुत ज़्यादा एकदम से इंक्रीज हो चुकी है, और यही कमाल है दोस्तों गूगल क्रोम के पैरेलल डाउनलोडिंग का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।